बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में बेची गई शुगर मिलों के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआती दौर में एफआईआर में किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम तो नहीं है, लेकिन जांच के घेरे में बसपा सुप्रीमो आ सकती है। सरकारी शुगर मिलों के बेचने में 1,169 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। मौजूदा बीजेपी सरकार इस मामले की जांच करा रही है। देखो, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये शुगर मिलें बेची गई थी, औने पौने दाम बेची गई थी। 200 करोड़ की संपत्ति मात्र चंद रुपयों में बेच दी गई थी, इसमें सरकारों ने बड़ा लाभ उठाया है। किसान को इससे बड़ा नुकसान ये हुआ। लगातार जाँच चलती रहती है। सॉफ्ट लोन शुगर मिलों को नहीं मिल पाता, ना तो चड्ढा का ही मालिकाना हक इस पर प्रदर्शित हो पाता कि चड्ढा की हैं। लगातार जांच चलती रहती हैं, तो ये जांच चलनी चाहिए। जांच होकर शीघ्र से शीघ्र जो इसका पटाक्षेप होना चाहिए, और जांच होने के बाद सरकार इस शुगर मिल को वापस कर अपने अंडर कर सरकार से, और ये क्षमता वृद्धि करकर सुचारू रूप से सब पूंजीपति की लड़ाई में इसमें किसान का नुकसान होता है। तो क्या किसान संतुष्ट है इससे? नहीं, किसान तो संतुष्ट है। किसान को तो गन्ना पेलना है, उसका भुगतान होना चाहिए। सरकार की यदि मिल है तो भुगतान के लिए नहीं रोज रोज आंदोलन और करने पड़ते। नजीबाबाद शुगर मिल है, 14 दिन की लिमिट में भुगतान कर रही है। बिजनौर जब तक गवर्नमेंट के अंडर में थी तब तक ठीक भुगतान होता रहता था। आज ये जांच जो है राजनीतिक कारणों से जांच हो रही है। आज गठबंधन हुआ तो इसलिए आज सीबीआई की जांच शुरू हो गई। ये राजनीतिक कारण है, किसान को लाभ पहुंचाने की नीयत से इसकी जांच